लोग कस्टमर्स बनाने लगे हैं, कुछ बच्चे ये खाते हैं कुछ ये खाते हैं। खुद घर में तैयार की है जी, ये देखे मेरे ये ऑयल गर्म हो गई है, जैसे बिल्कुल गोल गप्पा सा होता है। ये देखो बनाए थे, ये भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं, मज़े के बना लिया। पानी वगैरह, फ्रूट चाट, समोसे, तो देखिए मीठा बना लेते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे जी। आ चुकी हूँ घर वापस, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा चहल पहल, घर में आ गई है व्लॉगर आ गई है इस घर की शान। इफ्तारी के लिए हम तैयारी शुरू कर रहे हैं जी। आलूओं के साथ ये चिप्स बनाने लगे, इस पोटैटो कटलेट्स बनाने लगे हैं, पोटैटो कटलेट्स। ठीक है, आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूंगी जी। वो दूसरे पकौड़े बना रही है, मैं ये बना रही हूँ, अपनी अपनी मर्जी की इधर चलती है जी। दो आलू उसने उठा लिए, दो मैंने उठा लिए, तो फिर वो कैमरा मैंने उठा लिया है। सब ने कुछ ना कुछ उठाया, वेला इधर कोई भी नहीं है, आप टेंशन ले। वो भी अपना पॉइंट चला और हिजाब भी किचन में कुछ ना कुछ बना रही, नूडल्स बना रही। वो शाफ ने कहा नूडल्स बनाओ और साहिल ने नूडल्स खाने हैं क्योंकि उसका आज रोजा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पोटैटो कटलेट्स तैयार कर लिए जी, इसे काट के रख लिया। तो अब असर की अजान हो चुकी है तो हम नमाज पढ़ लेते हैं। ये प्याज और ये भी आलू है, इसके हम अलग से बनाएंगे, उसके अलग से बनाएंगे। कुछ बच्चे ये खाते हैं कुछ ये खाते हैं। ठीक है, अब हम नमाज पढ़ लेते, इसकी कटिंग करके रख दिया। तो हम अफ्तारी के आधा घंटा पहले ये बनाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इसने नूडल्स तैयार कर लिए क्योंकि शाफे ने बहुत तंग किया कि मैंने ये नूडल्स खाने हैं। अभी हमारा रोज़े का तो अफ्तारी का टाइम रहता है तो इसलिए इसे पहले बना दिया, क्योंकि काफ़ी कुछ सामान बनाना पड़ता है तो इतना टाइम नहीं बनता। हम आराम आराम से चीज़ें बना लेते, फिर ये गर्म भी हो जाती है। जहाँ बात मैंने खुद घर में तैयार की है जी, ये देखे ये इतनी लंबी लंबी नहीं है, ये खुद ही तैयार इसने की है। जब मैं उधर दुकान पर थी तब ये बना रही थी तो तब आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की रही है, क्योंकि आप लोगों को पता मैं घर में हूँ तो तब ही वीडियो शेयर करते, चाहे इससे भी अच्छे खाने बनाए। तो देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रही है, अब अफ्तारी के बाद खाएंगे तो पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी है जी, गर्म हो रही है, फिर इसको ऑयल डाल के और ये जो मैंने जो कटलेट्स बनाए थे ना, इसके किससे पोटैटो कटलेट्स, वो इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम रह गया। अब कभी हमारा चिल्ला उधर होता है, कभी हमारा चिल्ला इधर होता है, कभी वहाँ छाट देते हैं कभी वहाँ छाट देते हैं। आप देख रहे होंगे अब इधर आ गए हैं, कभी फ्राइड पे कभी बैठ पे, तो ये चलता रहता है। अब बारिश नहीं, पहले बारिश का मौसम था ना इसलिए हम उधर थे, अब बारिश नहीं, अब मौसम सही हो गया। धूप आज बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, अब ऑयल गर्म हो जाता तो फिर इसमें मैं डालती। बिस्मिल्लाह मान रही, ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसको एक एक करके शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह मान रही, अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया और फूल फूल के ये बने, जैसे बिल्कुल गोल गप्पा सा होता है। ये देखो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, हाँ गोल गप्पा बना है, ये देखो गोल गप्पे जैसे बना दिया। गोल गप्पे लेने कितने के? चलो पैसे दो, पैसे हैं बिस्मिल्लाह। दूसरे वाले हो गए गोल वाले चिप्स वाले, अब मैं ये बनाने लगी हूँ जो आलू और प्याज के बनाए थे, ये भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं, मज़े के। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी अफ्तारी की सारी तैयारी हो गई, हमने जूस बना लिया, पानी वगैरह, फ्रूट चाट, समोसे, ये दो किस्म के पकौड़े बनाए हैं और ये कचौरियाँ मंगवाई हैं जी, बनाए नहीं, और ये वो क्या कहते हैं जलेबी मीठी वाली, सारी तैयारी हो गई। अब थोड़ा सा टाइम रह गया, खजूरें भी पड़ी हैं जी, तो आप लोगों के लिए भी हम दुआ मांगते हैं और अपने लिए भी दुआ मांग दें कि अल्लाह पाक इस रहमतों वाले महीने में सबके घरों में इसी तरह रहमतें और बरकतें हों जी, और सबके ऐसे दस्तरखान हर दम सजे रहें माह रमज़ान के अलावा भी। आमीन सुम्मा आमीन। अब फटाफट दुआ मांग लेते हैं, अल्लाह पाक सब की मुश्किलें हल करे जी, सब की घरों में खुशहाली आए। ठीक है जी, आप भी दुआ मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी लाका संतम
अब एक मन तो तबक्कल तो रिस्के का भला अवतार तो ठीक है। रोजा हमने अवतार कर लिया और हमारा खाना नहीं अभी तैयार हुआ था, अब हम खाना तैयार कर रहे थे। जाओ वो गोल धो रही है तो देसी मुर्गा बना रहे तो ये प्याज मेरा ब्राउन हो गया तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। ब्राउन हो गए बर्तन भी इस टाइम पर बहुत जब रोजा अफ्तार करते हैं तो इतना खिलारा होता है ना, ईद भी काफ़ी बर्तन पड़े हैं। आप लोगों को दिखाएंगे तो आप कहेंगे ये क्या भांडे की दुकान खुली है। किचन धुल गया अभी, आटा भी गूंदना है। अभी बहुत से काम है, माह रमजान में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बंदे को आराम करने का टाइम इतना मिलता भी नहीं है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने खाना ऊपर गोश्त गालने के लिए पानी चढ़ा है जी। देसी मुर्गा उसको गलने में टाइम लगेगा तो फिर ब्लॉग लंबा हो जाना, बार बार वीडियो बनाऊँगी तो अब हमने अपलोड भी करना। आप लोगों से चाहते हैं इजाज़त जी, अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखना और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें जी। हम आप लोगों के लिए डेली ये सुबह शाम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। आपका बहुत शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।